गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो मेरे ब्रेकफास्ट में होता है दलिया, मिल्क, लड्डू। ये मैं सुबह सुबह से लेती हूँ आजकल ब्रेकफास्ट में। मम्मी वगैरह बोलती हैं ये चीजें लेनी चाहिए। सो मैगी, पास्ता, उपमा, ये सारी चीजें बंद हैं। डेली का यही चल रहा है मेरा, 1 मंथ हो गया यही सारी चीजें खाते खाते। तो अभी आंटी आ रही है मालिश वाली, तो बेबी की मालिश होगी, मेरी भी होगी। बेबी को 2 दिन से लास्ट फीवर आ रहा है, तो इस वजह से उसकी 2 दिन से मालिश नहीं हुई थी। तो आज आंटी करवा लें उसकी मालिश, है ना? फीवर में करवाई नहीं जाती है ना, उनकी मालिश हो जाएगी। यहाँ पर ना मेरी मूंग दाल और दलिया की खिचड़ी बन चुकी है, तो मैं ये खाऊंगी। तो सुबह के टाइम मालिश करवाने के बाद में अब मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। और यहाँ पे वाईफाई का कुछ सेटअप वगैरह चल रहा है, सो ड्रिल मशीन की आवाज़ आई थी, मैं ब्लॉग नहीं कर पा रही थी। और हूँ बेबी जो है वो सो के उठ चुका है, उसकी दादी उसको रूम में लिए हुए, मैं दिखाती हूँ। ये देखो, दूध पीने के बाद में मस्ती कर रहे हैं। अब जा रहे हैं ऊपर छोटी दादी के पास में। छोटी दादी बुला रही थी, लेने आई थी उसको। अब जाओ, चले जाओ। मेरी पिट्टू भूखी थी इसलिए मैं दूध पी रहा था। हाँ, अब मैं दूध पी के जा रहा हूँ अपनी दादी से मिलने। जाओ दादी से मिलो, दादी खुश हो जाएंगी। आ गया, आके देखो वहाँ कैसे कर रहे हूँ। ये देखो छोटा सा क्यूट सा बेबी है। ये देखो दादी के पास जा रहा हूँ। बाय। मैं छोटी दादी के पास जा रहा हूँ, जीने छोड़ के जा रहा हूँ। माँ फिर तो चढ़ के भाग जाएगा। तो अभी शाम का टाइम हो गया है और अभी हम सब लोग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल सबको ड्रेसेस वगैरह लेनी है, तो आधी शॉपिंग कल हो गई थी कुछ लोगों की, कुछ लोग रह गए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, माँ पापा मतलब पूरी फैमिली ही जा रही है, सबको कपड़े वगैरह लेना है। और हमारा छोटू बेबी भी हमारे साथ में जा रहा है, फर्स्ट टाइम वो शॉपिंग के लिए जा रहा है। माँ चले, चलो। तो एक्चुअली वो अकेले तो कार छोड़ के जाते हैं, तो मम्मी भी जा रही है, तो इसलिए हम सब जा रहे हैं। पहली बार जा रहे हैं। रोई रोई कर रहे थे। तो जैसे कि मैंने बोला था कि हम लोग मार्केट जा रहे हैं कुछ शॉपिंग के लिए, तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे एक शॉप में। और ये जो शॉप है ना, एक्चुअली जब मेरी शादी हुई थी ना, उस टाइम पे मेरी ननद वगैरह ने यहीं से सारे लहंगे वगैरह लिए हुए थे। इसका कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट 5-6 साल से आना कभी यहाँ पे हुआ नहीं। उसके बाद में अभी हमारे घर पे एक और शादी है, तो हमने सोचा कि चलो यहाँ पे एक बार ट्राई करते हैं। यहाँ पे जो लहंगे का कलेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पुराने काफ़ी पुराने दुकान है एक्चुअली ये। सो हमने कहा कि चलो चलते हैं सब लोग। तो बस मेरे ही लहंगा रह गया था, तो मुझे लेना था, तो बस वही ट्राई कर करके देखते हैं। यहाँ का कलेक्शन मैं आपको थोड़ा दिखाती हूँ कि कैसा है। ये वाला लहंगा देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यार लग रहा है। एक्चुअली इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बट इस कलर का मेरे पास में एक ऑलरेडी ड्रेस है, सो फिर मैंने वो लहंगा नहीं लिया। और यहाँ पे मैं मदर इन लॉ को लहंगा ट्राई करवाए थे, मैंने कहा आप भी ट्राई करके देखो, आपके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है, आप भी पहनो। पर उन्होंने कहा अब भी हम क्या इस एज में लहंगा पहने, मैंने कहा कोई उम्र नहीं होती, आप पहन सकते हो। और यहाँ पर हमारा छोटू बेबी देखो अपनी छोटी दादी के साथ में खेल रहा है, इंजॉय कर रहा है।
और वो ना रोने भी लगता है क्योंकि मार्केट आए थे ना, तो वो पहली बार घर से निकला है, तो सब लोग ना उसको कोई थोड़ी देर गोदी में था, किसी के कोई गोदी में था, तो ना हर किसी की गोदी में थोड़ी थोड़ी देर के लिए था वो। अब हम आ गए हैं नीचे वाले स्टोर में, यहाँ पे ज्वेलरी का काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, तो यहीं पे मैचिंग वगैरह कराना था, ब्लाउज वगैरह स्टिच होने के लिए डालना है, सो सारी प्रिपरेशन हमें करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह मैं चेक कर रही थी कि कौन सा अच्छा लगेगा क्या, तो भाई बस ट्राई करके देख रहे थे। यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं गाउन वगैरह लगे हुए हैं, बट गाउन पहने का मेरा कोई मूड नहीं है, तो मैंने लहंगा ही डिसाइड करा है। सो यस, बस प्रिपरेशंस वगैरह सारी चल रही हैं, जैसे जो होता है आप सब ज़रूर शेयर करेंगे। फिलहाल मैंने सोचा कि चलो ये व्लॉग आप सब में शेयर करती हूँ, छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि आजकल तो यार कुछ भी दिखाने के लिए नहीं, इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया है, मतलब सुबह कब होती है रात कब होती है पता भी नहीं चलता है। तो बस मैंने सोचा कि थोड़ा सा इस वॉइस ओवर के थ्रू मैं आपको वीडियो में बता देती हूँ कि आजकल लाइफ में क्या चल रहा है। सो यहाँ पे ये वाला जो स्टोन वाला नेक पीस है मुझे बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था, एंड ये वाला भी इससे ना पूरा नेक भर गया था, बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था ये। सो अब देखते जो मैच करेगा, मैंने फिर वही लिया हुआ है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी सारी चीज़ें। और अभी हम आ गए हैं यहाँ पे दूसरी जगह, यहाँ पे स्टिचेस वगैरह मतलब स्टिच वगैरह करने के लिए मेजरमेंट देना था, तो यहाँ पे जेंट्स वगैरह की जो सारी तैयारी है वो चल रही है। तो अभी हम आ गए हैं घर पे, शॉपिंग वगैरह सारी हो गई है, जिसको जो जो लेना था सारी चीज़ें ले ली हैं, और अभी कुछ पेंडिंग रह गया है काम जो कि कल निपटाना है, तो वो भी निपटा लेंगे। फिलहाल मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, रात का टाइम हो गया, हम लोग गए थे शाम को 6:30 बजे, 9:30 का टाइम हो रहा है, अब भूख लग रही है, मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। ये सो रहे हैं जनाब, हमारे छोटे जनाब सो रहे हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर। वो दादा को देख ला है, दादा को दादा को देखे, अशिले दादा को देखे, के रोता था मेरा बेटा है रात में चुपचाप से लेटा रहा, ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है, जितना हंसते होते ही रोते हैं, बोलता दादी से ऐसा नहीं है दादू, अब रोना नहीं, नहीं तो पिटेगा, रोई रोई नहीं करना गुड्डा, बातें कर रहा तो बातें कर लो, आमिला बेटा अब बातें कर लो, बताओ कितने कपड़े खरीदे आज, क्या क्या किया आज बताओ, क्या क्या किया मेरे बेटे ने, क्या क्या किया, आज बहुत सारी शॉपिंग करी, शॉपिंग करी, बहुत सारी शॉपिंग करी आज, मम्मा ने क्या दिलवाया, दादी ने क्या दिलवाया जी बताओ, कल दिलवाएंगे उसको, क्या दिलवाया दादी, उसका तो कोई लिया ही नहीं, हाँ बिल्कुल, ये बातें कर लो, मैं भी जल्दी बोलेंगे देखना, बाकी मेरे कोई काम का नहीं है, मैं सिर्फ दूध पीता हूँ, सिर्फ दूध मेरे काम का है, दूध ले आओ, डायपर ले आओ, बातें कर रहा हूँ, सही में राजू लग जाएगी, दूध ले आओ, डायपर ले जाएंगे हम उसको। तो अभी रात के 12 बजने वाले हैं, और हमारा छुटकू बेबी जो है ना वो अपनी दादी और पापा साथ में एंजॉय कर रहा है, बहुत मस्ती कर रहा है, बहुत सारी मस्ती कर रहा है एक्चुअली वो पूरे टाइम सोता रहा था, हम लोग मार्केट गए हुए थे, सो रहा था, उसने शीट करा एक बार ही बस उठा था, वो पूरे टाइम सोता रहा क्योंकि वो पूरे टाइम गोदी में था, और उसको गोदी के इतनी ज्यादा लग गई कि हर टाइम सबकी गोदी में रहता है, वैसे हमारे यहाँ पे ये है कितने सारे फैमिली मेंबर्स है, तो कोई ना कोई उसको लिए रहता है, तो उसको गोदी की आदत लग गई है, सब लोग खिलाने के लिए, मैं पहले छोटा बच्चा है, एक ही छोटा सा बच्चा है, इस वजह से सब लोग उसको खिलाते रहते हैं। रात काफ़ी हो गई, रात के 2:30 बज रहे हैं, और इनका सोने का कोई मूड नहीं है, अब मैं सुलाती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।